आपको प्ले स्टोर से VN ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सब वीडियोस ऐड करने हैं न्यू प्रोजेक्ट में। एक एक करके सिलेक्ट करना है आपको सब वीडियोस को, और सब सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे एरो बटन है उसको क्लिक करके सब उसमें ऐड करना है। सो इस तरह कुछ जैसा दिखेगा आपको, आपके सब वीडियोस वन बाय वन ऐड हो जाएंगे इसमें। और उसके बाद फिर वीडियोस को प्रॉपर देखने का सिलेक्शन में है कि नहीं, फिर उसके बाद आप ऑडियो पे क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे ऑडियो को चूज़ करना है ऑडियो को, और उसमें ऑडियो अपना डालना है। आप डाउनलोड कर लेना पहले ऑडियो, फिर उसके बाद ऑडियो डालना है। सो वैसा ही क्लिक करके ऐड कर लेना है ऑडियो पे, फिर ऑडियो वैसा ऑडियो भी आएगा आपके इसमें। उसके बाद आपको फिर ऑडियो को सुनना है और उसके हिसाब से आपको कट करते जाना है या फिर ड्रीम करते आना है। ऐसे मैं कर रहा हूँ, वैसे आपको ड्रीम करते आना है सब वीडियोस प्रॉपरली। तो मैं अभी ड्रीम कट कर रहा हूँ वीडियोस को। सो ऐसा आपको म्यूज़िक के हिसाब से आपको सब कट कर लेना है वीडियो। और आपका एक बार कट हो जाने के बाद पूरी वीडियोस को देख लेना है। सो मैं भी कट कर रहा हूँ वीडियोस को धीरे धीरे, ऐसा करके आपको कट करना है। कट का ऑप्शन है नीचे उधर दिया हुआ है, तो उससे हिसाब से आपको कट करना है और प्रॉपर म्यूजिक के हिसाब से डालने का ऑडियो को। सो मैं अभी डाल चुका हूँ वीडियो को। उसके बाद इफ़ेक्ट्स आएंगे। सो इफ़ेक्ट प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इफ़ेक्ट को आपको यूज़ करना है। आपको जो इफ़ेक्ट अच्छा लगे, उसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, तो आपको एक बार देख के यूज़ कर लेना है कैसे इफ़ेक्ट से हो। सो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ अभी इफ़ेक्ट्स। सो प्लस करके सब स्क्रॉल कर लेना है और देख लेना है एक बार वीडियो कैसी लग रही है वो इफ़ेक्ट में, और आपको जो इफ़ेक्ट अच्छा लगे वो यूज़ कर लेना है उसमें। सो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, धीरे धीरे देख रहा हूँ पहले कैसा दिख रहा है वीडियो, और उसके हिसाब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो ऐसे सबको यूज़ करना है धीरे धीरे। सो प्लस के ऑप्शन में जाके सबको यूज़ कर लेना है और एक बार देख लेना है वीडियो को। उसके बाद फिर एडिट करने के बाद, उसके बाद आपने को उसके ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स है उसके बीच में वीडियो को लगाने के लिए, जहाँ पे आपका साउंड बज रहा है या फिर शेक हो रहा है साउंड, तो उसके हिसाब से आप वो वीडियो के अंदर शेकिंग इफेक्ट डाल सकते हो। इसके लिए वो इफेक्ट्स पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसमें सब साउंड्स है और इफेक्ट्स है, वो सब देख लेना है एक बार। जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर लेना है उसमें। सो ऐसा शेक होता है, तो आप बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बना सकते हो। शेक के ऊपर वीडियो शेक होता है उससे। सो ऐसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, न्यू ट्रेंडिंग वीडियोज़ है जो ऐसा शेक होते हैं। सो ये VN ऐप से भी उन लोग यूज़ करते हैं, सब बड़े जितने भी है वो सब उससे यूज़ करते हैं। सो आप देख लेना है प्रॉपर एक बार आपको कहाँ पे शेकिंग का इफेक्ट, शेक इफेक्ट डालने का है और कैसा डालने का है, ऊपर से नीचे से बाजू से आजू से कैसा भी आप ये डाल सकते हो, और उसको आपके हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो उसके बाद। और फिर मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ उसको, धीरे धीरे सब वीडियोज़ में लगा रहा हूँ। सो वीडियो सब में लग रहा है और देखते हैं। उसके बाद फिर सब आपको यूज़ कर लेना है। मैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ, आप उसको हिला भी सकते हो यहाँ से वहाँ। सो वीडियो बहुत अमेजिंग होती है उससे, और जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे साउंड बज रहा है ज़ोर से, ब्लश हो रहा है, उस पर भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद कंप्लीट वीडियो देख लेना है एक बार कैसा वीडियो आता है। सो मैं स्टार्टिंग में आपको दिखाया वो वीडियो को, और वैसा ही वीडियो सेम बनेगा अभी इसके बाद। सो आप वैसे यूज़ कर लेना है। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको,
और फिर ये वीडियो को सेव कर लेना है। उसके बाद प्रीक्यूल में आना है, प्ले स्टोर पे वो ऐप मिलेगा, ऐसा सिंबल है उसका, उसमें वो वीडियो को ऐड कर लेना है। सो सिंपली हम वीडियो को ऐड कर रहे हैं अभी। सो हमने वीडियो को ऐड सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। सो ऐसा कुछ इंटरफेस है उसका। सो उसमें थर्ड ऑप्शन में आपको इफ़ेक्ट्स का फिल्टर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेकंड में इफ़ेक्ट्स और थर्ड में फिल्टर का ऑप्शन है। सो हम अभी फिल्टर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे बहुत सारे फिल्टर्स हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो में, और आप वहाँ से सेटिंग करके फिर आप अपने वीडियो वहाँ से सेव कर सकते हो।